आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रिय हमारा परमेश्वर अच्छा है, उसके जैसा कोई भी नहीं, ना कोई था, ना कोई है और ना ही कोई होगा। प्रभु ने क्या ही बड़ी दया और करुणा हम पर की कि आज हम प्रभु के पवित्र चरणों में, ताओ हम आज का वचन निकालेंगे। हम लोग निकालेंगे मत्ती अध्याय 7, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 24-27। मत्ती अध्याय 7 उसका 24-27 तक हम वचन पढ़ेंगे। मैथ्यू मत्ती अध्याय 7 त्याचं 24-27, मत्ती 7 का 24-27 तक, मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 24-27। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। मेह वर्षा, बाढ़े आई, आंधियां चली और उससे टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेह वर्षा, बाढ़े आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। अब हम आपको गवन करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आती हूँ। धन्यवाद देती हूँ मेरे राजा, मेरे मान पवित्र सेनाधीश पिता, वचन की सेवा को आपके हाथ में देती हूँ। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है। इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते वही पालन करने के लिए मदद करना। वचन की ओर हमारा मनन रहने के लिए सहायता करना। वचन की ओर हमारा ध्यान लगे रहने के लिए कृपा प्रदान करना। ये हमारी विनती है प्रभु, दया रखना। सब कुछ आपके हाथ में लिए, आगे का पूरा समय आपके हाथ में दिया। मेरे राजा, मेरे मान पवित्र सेनाधीश पिता प्रभु दया रखना। वचन हम आपके हाथों में देते, आज्ञाकारी हमें होने के लिए मदद करना, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम यहाँ देखते हैं प्रियो कि मत्ती अध्याय में जो प्रभु हमें एक दृष्टांत हमें बताता है, एक बातें हमें बताता है। अगर आप 5वें अध्याय से देखोगे तो अध्याय 5 से आप पढ़ोगे तो यीशु मसीह ने कुछ आज्ञाओं को बताया। यीशु मसीह पहाड़ पर बैठे थे और पहाड़ पर जितने लोग आए थे उन सभीों को, बड़ी भीड़ को इकट्ठा देखकर वो क्या किया, मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। उसने सबसे पहले कहा उन लोगों को जो धन्य हैं, जो परमेश्वर के राज्य के लिए मन में दीन हैं, शोक करते हैं। उनके बाद फिर उन्हें यीशु के पीछे चलने वाले को नमक और ज्योति कहा। फिर व्यवस्था परमेश्वर की कितनी अनमोल है उसे हमें वो कहना भी पूरा करने के लिए आया हूँ, मिटाने के लिए नहीं आया हूँ। फिर क्रोध और हत्या से बचे, और फिर बाद में व्यभिचार से बचे, तलाक नहीं दे, शपथ नहीं झूठी खाए, झूठी क्या शपथ ही नहीं खाए। हमारा बातचीत हाँ कहा ना का ना हो, उसकी शपथ खाने की कोई ज़रूरत नहीं, बदला नहीं ले। फिर हमें शत्रुओं से प्यार करना है, फिर दान के बारे में सिखाया, फिर प्रार्थना के बारे में सिखाया, फिर उपवास की आज्ञा दी और स्वर्गीय धन स्वर्ग में जमा करने की आज्ञा दी, और फिर अपने शरीर को पवित्र रखने की आज्ञा दी, और उसके बाद परमेश्वर को प्यार करने को कहा। परमेश्वर को प्यार करो, क्योंकि धन को प्यार करने वाला परमेश्वर को प्यार नहीं कर सकता है। उसके बाद दूसरों पर दोष नहीं लगाना, दोष लगाने का काम हमारा नहीं है। फिर मांगो तुम्हें दिया जाएगा, यानी तुम प्रार्थना करो, ये आज्ञा दिया। सकेत मार्ग से प्रवेश करो, यानी सकरा मार्ग बहुत छोटा है और तो उस मार्ग से ही चलो जिसमें चलने के लिए तकलीफ है। और फिर बाद में उसने हमें सिखाया झूठे भविष्यवक्ताओं से, यानी जो मसीह है, यीशु यीशु कहते हैं लेकिन यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, यीशु के नाम से बड़े बड़े काम करते हैं लेकिन आज्ञाओं का पालन नहीं करते, जो सुनते हैं वैसे वो करते नहीं, उन लोगों को यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा, हे कुकर्म करने वाले, 23 वचन, तब मैं उनसे खुलकर कहूँगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वाले मेरे पास से चले जाओ। आपको समझा प्रियो, हमें अगर प्रभु को हम जो सुनते हैं वचन और जो हम वचन सुनते हैं वो हम पालन नहीं करते, तो फिर प्रियो हमें भी प्रभु ऐसा ही कहेगा, हे कुकर्म करने वाले। क्योंकि परमेश्वर को वचन का पालन करने वाले लोग चाहिए, वचन सुनने वाले नहीं। आज यीशु के पास बहुत अधिक लोग आते हैं। अभी लोग कहेंगे हमने क्या तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली, हमने प्रार्थना किया तो तुरंत हमारा प्रार्थना सुना गया, तो इसका मतलब हम मसीह हैं। सही बात है, यीशु के नाम में इतनी शक्ति है, जो कोई यीशु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। इसलिए प्रियो परमेश्वर उसके अनुग्रह के कारण और उसकी दया और प्रेम के कारण उसका नाम लेने वाले को चंगाई उद्धार देगा, लेकिन
उद्धार उन्हीं लोगों को मिलेगा का आज्ञा पालन, उनका घर वही लोग स्वर्ग में जाएंगे जो लोग आज्ञा पालन करते हैं। जो लोग आज्ञा पालन करते हैं यीशु पर विश्वास कर कर, जो यीशु कहता है वही करते हैं। क्योंकि जो तो चर्च में आने वाले, अभी जैसे यीशु मसीह जो पहाड़ पर उपदेश खुल कर दे रहा था, उस समय बड़ी भीड़ क्या कर रही थी? सो रही थी? नहीं, सुन रही थी। क्या कर रही थी? सुन रही थी। आज हम लोग भी यीशु के पास आते हैं, हम लोग भी यीशु का वचन क्या करते हैं? प्रभु के दासों के मुंह से हम सुनते हैं। तो फिर सिर्फ सुनने वाले नहीं होना है, क्योंकि सुनने वालों से हिसाब लिया जाएगा। तुमने सुना ना, मैंने ऐसा बोला, फिर तुमने ये क्यों किया? तुमको तुमने वचन मैंने तुमको दिया था ना कि तुम ऐसा ऐसा काम मत करो, फिर तुमने क्यों किया? तो जो लोग परमेश्वर का वचन सुनते हैं और पालन करते हैं, उन्हीं लोगों को क्या होता है? उनका घर बनता है, उन्हीं लोगों को परमेश्वर जानता है। क्योंकि अगर आप देखो, परमेश्वर यीशु मसीह ने देखो ओपनली 15वां वचन क्या कहता है? झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। झूठे भविष्यवक्ताओं से क्या करो? सावधान रहो। तो झूठे भविष्यवक्ता कैसे हैं? वो फल के बारे में, फल के बारे में बताए कि जैसे वो लोग, अभी देखो यीशु मसीह एक सच्ची दाखलता है, तो हम उसके ऊपर विश्वास करने वाली उसकी डालियां क्या उत्पन्न करनी चाहिए? अंगूर, सही बात है, यानी अंगूर के फल लाने चाहिए। लेकिन बहुत लोग आज यीशु मसीह के पास आने के बाद भी, देखो यहाँ लिखा है 16वां वचन, तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। देखो लोग झाड़ियों से अंगूर, यानी उनके जो लोग यीशु के पास आकर झाड़ी बनते हैं, झाड़ी यानी क्या? बहुत सारा बातों में फंसे हुए लोग, झाड़ियों, झाड़ी यानी पूरे एक दूसरे से झाड़ गूंथा हुआ रहता है, उसको कहते हैं झाड़ियाँ। जो झाड़ एक दूसरे में फंसे हुए रहते हैं बहुत सारे आपस में एक दूसरे से, जो व्यक्ति इस संसार के जालों में फंसा हुआ है तो वह अंगूर नहीं ला सकता। दूसरा, ऊंट कटारे से अंजीर नहीं तोड़ते, यानी दो फल बताया, यानी हम लोग क्या तोड़ना चाहिए? हम यीशु एक अच्छा अंजीर है, अंजीर हम लानी चाहिए। तो यहाँ ऊंट कटारे, यानी कुछ मसीहों का जीवन कैसा है? ऊंट कटारे का, यानी कांटों के जैसा है, वो दूसरों को काटे को जिस समान चुभाते हैं, यीशु को भी काटा के समान चुभाते हैं। इसीलिए तो उनके जीवन के द्वारा, उनके चाल चलन के द्वारा यीशु के नाम की बदनामी होती है ना, बराबर है? अभी जो लोग व्यभिचार करते हैं चर्च में आने के बाद भी, लोग उनका बदनामी होते हैं ना, अरे तो चर्च में जाकर भी कोई बदलाव नहीं है, गंदी नज़र से देखता है, इसका आँख देखो कितना पाप भरा हुआ है, ये व्यभिचार में फंसा हुआ है, फिर क्या फ़ायदा हुआ इसका यीशु के पास जाकर? क्या यीशु इसे छुड़ा नहीं सकता? दारू पीने वाले लोगों को, जो लोग मुंह पर तो कुछ नहीं बोलते लेकिन पीठ पीछे तो यीशु को काटा देते हैं ना, यानी उनके लाइफस्टाइल से यीशु को काटा मिलता है, उनके लाइफस्टाइल से, यानी उनके फलों से, उनके चाल चलन से, उनके व्यवहार से यीशु को काटा मिलता है, लोगों को भी काटा मिलता है। लोग काटे हुए, जिधर काटे होते हैं उस पर चलते हैं क्या? नहीं चलते। तो लोग बोलते हैं, अरे यीशु के पास आने के बाद भी इतने साल से ये व्यक्ति बदला नहीं, फिर मैं क्यों जाऊँ यीशु के पास? इसलिए उसे पैरों में कांटा मिला, इसलिए वो यीशु के राह पर नहीं चल पाया, वो रास्ता भटक जाता है। आपको समझा? इसीलिए प्रियो, आज का वचन यीशु यही कहता है, तुम जो मेरे पास आते हो, मेरे वचन को सुनते हो, अगर तुम मेरे वचन के अनुसार नहीं चलते हो, तो तुमने अपना घर उस मूर्ख के समान है जो बालू पर बनाया। उन लोगों को मैं खुलकर कहूंगा, ऐसे ही देखा लिखा है 15-23 वचन में क्या लिखा है? मैं उनसे खुलकर कहूंगा, क्या लिखा है? मैं खुलकर कह दूंगा, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। क्यों? क्योंकि तुमने मेरा वचन सुना लेकिन वैसे चले नहीं। तुमने वचन सुना मेरा लेकिन तुम चले नहीं। तुम कैसे लोग हो जो सुनते? 26 वचन से, जो कोई मेरी ये बातें सुनता है, कौन सी बातें? जो आज्ञा प्रभु देता है, जो वचन प्रभु हर संडे को देता है, फ्राइडे को देता है, हाउ चर्च में देता है, और बाइबल हम पढ़ते समय जो वचन हमें लगता है, वचन हम पढ़ते हैं, वो वचन को लिखा है कि सुनता है और उन पर नहीं चलता। झूठे भविष्यवक्ता यानी झूठे मसीही, वो लोग वचन पर नहीं चलते। उनको प्रार्थना अच्छा नहीं लगता, उनको चर्च में आना अच्छा नहीं लगता, उन्हें चर्च में आना है क्योंकि माँ बाप, कुछ बच्चे लोग, जवान लोग आते हैं क्योंकि उनके माँ बाप लेकर आते हैं, वो दिल से नहीं आते, खुद की मर्जी से, खुद की इच्छा से नहीं आते,
वो इसलिए आते हैं क्योंकि उनके माता पिता उन्हें लेकर आ रहे हैं। कुछ पुरुष लोग आते हैं क्योंकि उनकी पत्नियां लेकर आती हैं, उनकी बीवी बोलती है चलो चलो चर्च में, इसलिए आते हैं, वो खुद के दिल से नहीं आते। कुछ पुरुष आते हैं अपनी पत्नी को लाते, उनकी पत्नी की बिल्कुल इच्छा नहीं रहती। कुछ लोग चंगाई के लिए आते हैं, कुछ लोग यीशु से कुछ पाने की इच्छा से आते हैं। जो प्यार करते हैं वो ऐसे व्यक्ति है जो बुद्धिमान पुरुष के, बुद्धिमान मनुष्य के समान है। जो खुद से आते हैं, खुद से घर में प्रार्थना करते हैं, खुद से बाइबल लेते हैं, खुद से प्रभु के सानिध्य में घंटों घंटों बैठते हैं। प्रियो, आज हमारा परमेश्वर ऐसा ही कहता है कि वो उस उस पर नहीं चलता, वो निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा, निर्बुद्धि मनुष्य के समान, जिसे परमेश्वर कहेगा हे कुकर्म करने वाले मेरे पास से चले जाओ। तो मेरा वचन सुना, वचन सुनने के बाद भी तुमने मेरे वचन के अनुसार नहीं चले, तुम वचन सुना लेकिन तुमने कहा इंसान वहाँ निर्बल हो गई गलती, तो मेरे वचन को सुनते हो लेकिन वैसे नहीं करते हो। यीशु मसीह का, परमेश्वर का वचन कहता है, वचन को सुनने वाले अपने आप को धोखा देते हैं। हम निकालेंगे याकूब की पत्री, याकूब की पत्री अध्याय एक, उसका 22 से। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसे था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि वो सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। क्या लिखा है यहाँ पर? यहाँ पर लिखा है वचन पर चलने वाले बनो, सिर्फ सुनने वाले नहीं। जो कुछ वचन सुनते हैं वैसे ही हम चलने वाले होने चाहिए। हमारे लिए जो भी वचन आता है फिर वो ऐसा ना सोचे कि अरे ये तो एक लड़की ने दिया, अरे ये तो नर्सरी ने दिया, अरे ये तो क्या बोलने का, मेरे पास उन्हें दिया मैं क्यों करूँ, वो कौन होता है मेरा, ऐसा बोलकर नहीं। परमेश्वर ने उन लोगों को चुना है उस समय आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए। इसीलिए वचन पर चलने वाले बनो, क्यों केवल सुनने वाले अपने आप को धोखा देते हैं। किसको फंसाते हैं? अपने आप को। क्यों अपने आप को फंसाते हैं? क्योंकि उनको ये वचन सुनाई देगा ये आखिर में, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों मेरे सामने से चले जाओ। वो अपने आप को फंसाते हैं उनकी, जब उन्हें यीशु मसीह ऐसे कहेंगे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, उस समय कितना बड़ा धोखा हो जाएगा। बाप रे, धोखा मतलब वो अपने आप को धोखा देने वाले हो जाएंगे। वो सोचेंगे अरे मैं इतना साल से ऐसा किया, फिर अपने आप को वो सोचेगा क्यों मैं आज्ञा पालन नहीं। लेकिन आज परमेश्वर आपको बारंबार आज्ञा पालन के बारे में बताकर क्यों चेतावनी देता है, क्यों समझाता है? इसलिए ताकि आप समझे अभी भी समय नहीं गया। अभी उस दिन पर देखो यहाँ लिखा है, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वाले मेरे पास से चले जाओ। उनके पास समय है पश्चाताप करने के लिए, मन फिराने के लिए? नहीं। आज हम में से बहुत लोग वचन सुनते हैं लेकिन पालन नहीं करते, लेकिन आज हमारे पास समय है, आज भी हम प्रभु का वचन सुनकर मन फिरा सकते हैं और कह सकते हैं नहीं बाबा मैं वचन पालन करूँगा, है ना। वो क्या कहता है, वो व्यक्ति कैसा है? जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान देता है, स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था, जो वचन मुझे स्वतंत्र करेगा और मुझे यीशु के राह पर चलाएगा, वो अपने कामों पर आशीष पाएगा क्योंकि वो भूलता नहीं, जैसे उसने सुना है वही करता है। बहुतायत लोग वचन भूलते हैं, इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपनी मर्जी से चलते हैं। आज बहुतायत लोग झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो लोग को वो भूल जाते हैं कि हमें सच बोलना है। बहुतायत लोग दारू पीते हैं, क्यों पीते हैं? क्योंकि वो लोग भूल जाते हैं कि अरे मैं मसीह हूँ, मुझे दारू नहीं पीना है। मैंने बपतिस्मा लेते समय ही मुझे बताया गया था तुम्हारा जूना मनुष्यत्व गाड़ दिया जा रहा है, अभी तुम जूने मनुष्यत्व के अनुसार नहीं जीना है, ये बताया जाता है उन्हें, लेकिन वो लोग भूल जाते हैं। उस समय उनको सिर्फ बपतिस्मा लेना है लेना है लेना है, वही इच्छा रहती है, और बाकी की जितनी ही उनको शिक्षण दिया रहता है वो लोग क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। इसीलिए प्रियो यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, जो वचन को भूलते हैं
वो क्या हो जाएंगे, आशीष नहीं पाएंगे। जो वचन को भूल कर भूलते नहीं परंतु उसके अनुसार काम करते हैं वो आशीष पाएंगे, वो स्वर्ग जाएंगे। आपको समझा? इसीलिए प्रियो यीशु मसीह ने कितना बड़ा महत्व बताया है आज्ञा पालन का, सुनकर वैसे करने वाले का। इसीलिए प्रियो यहाँ पर अभी हम 24 से पढ़ेंगे जो हमारा वचन है, मत्ती अध्याय 7 का 24 से। प्रियो अगर हमें 23 वचन जो यीशु मसीह ने खुलकर उन लोगों से कहा कि हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ, ये अगर हमें नहीं सुनना है तो यीशु कहता है 24 वचन से, इसलिए अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो जो कोई मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हमें यहाँ पर प्रयोग प्रभु का वचन कहता है हमें उस मनुष्य के समान बनना है जो बुद्धिमान है। यीशु मसीह ने कहा जो मेरे वचन को सुनकर पालन करता है वो बुद्धिमान मनुष्य है, और वो क्या करता है, अपना घर बनाता है। प्रयोग घर बनाना बहुत ज़रूरी है। हम मनुष्य बुद्धिमान व्यक्ति घर बनाता है, बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, घर बनाता है। हमारे यीशु मसीह ने घर बनाया 7 खंभों पर, इसीलिए प्रभु चाहता है कि हर एक इंसान अपना घर बनाए। प्रभु की इच्छा है बुद्धिमान स्त्री घर बनाती है, मूर्ख स्त्री अपने हाथों से तोड़ती है। मानो भी प्रियो यहोवा यदि घर न बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है, बनाने वाले का व्यर्थ परिश्रम। इसलिए परमेश्वर हमें मदद करता है घर बनाने के लिए, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम घर बनाएं। प्रोवर्ब्स चैप्टर 14:1 में अगर हम पढ़ेंगे तो लिखा है बुद्धिमान स्त्री घर बनाती है, तो हर स्त्री भी, और लिखा है बुद्धि ने अपना घर बनाया 7 खंभों के ऊपर। ये हम पढ़ सकते हैं नीति वचन में कि 7 खंभों पर ही बुद्धि कौन है, हमारा प्रभु यीशु, यीशु मसीह ने घर बनाया आज 7 खंभों पर, उसके मुंह से निकले हुए 7 उद्गार से जो कलवरी क्रूस पर उसने कहा था मैं हे पिता इन्हें क्षमा कर ये नहीं जानते ये क्या कर रहे। दूसरा उसने डाकू से कहा कि तू आज ही मेरे साथ सुखलोक में होगा। तीसरा उसने स्त्री से कहा कि ये तेरा बेटा है, और शिष्य से कहा कि ये तेरी माँ है। फिर उसने कहा कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और पांचवा उसने कहा मैं प्यासा हूँ। छठा उसने कहा कि पूरा हुआ। और सातवा उसने कहा हे मेरे पिता मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। इस रीति से सातों उद्गार निकालकर उसने घर बनाया जो सुरक्षित है। आज उस घर में आने वाले हर एक व्यक्ति को अपना घर बनाना है। बाइबल हमें बताती है कि हमें घर बनाना है। कोई कोई लोग घर, हम निकालेंगे 1 कुरिन्थियों की पत्री 1 कुरिन्थियों। प्रियो हम सभी लोग यीशु में आने के बाद हम सब लोग अपना घर बनाना बहुत ज़रूरी है। हमारी नींव जो है वो है प्रभु यीशु, वो नींव पर हमें घर बनाना ज़रूरी है। तीसरा कुरिन्थियों की पत्री 1 कुरिन्थियों 3 और उसका 10 है परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है मैं बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान मैंने नींव डाली, दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वो कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को जो छोड़ जो पड़ी है वो यीशु मसीह, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई नींव पर सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर काट घास फूस का रद्दा रखे तो हर एक काम प्रकट होगा, क्योंकि वो दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आँख के साथ प्रकट होगा। वह आग हर एक के काम को परखेगी। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा, यदि किसी का काम जल जाए तो हानि उठाएगा पर वह आप बच जाएगा जलते जलते, है ना। तो यहाँ पर प्रभु का वचन क्या कहता है कि नींव जो है वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता, हम किसी और पर विश्वास नहीं कर सकते। यीशु मसीह पर रखे हुए इस नींव पर हमें करना क्या है, घर बनाना है। तो वो घर बनाते समय किस प्रकार का हम रद्दा लेते हैं कि सोने का चांदी का बहुमूल्य पत्थर का काट का घास का फूस का, क्योंकि बहुत से लोगों का जो लाइफस्टाइल है जीने का, वो जीने के लाइफस्टाइल से उसका घर बनता है, उसका लाइफ बनता है, उसका जीवन बनता है। इसलिए प्रियो घर हमारा जीवन है, हमारा जीवन जो यहाँ बता रहा है जीवन है। तो हमारा ये घर, हमारा ये जो जीवन है, हम कैसे चलते हैं अगर हम यीशु के पास आने के बाद भी एकदम थर्ड क्लास लाइफ जी रहे हैं, एकदम थर्ड क्लास, यानी दारू पी रहे, चर्च नहीं आ रहे, अपनी मन मर्जी से जी रहे, बीवी को मार रहे, तंबाकू खा रहे, गुटखा खा रहे, जैसे संसार में थे वैसे, तो उसका है फूस का घर।
जो घास होता है ना, घास फूस उसका है। फिर जो लोग चर्च में आते हैं, कभी कभी आते हैं, प्रभु की आज्ञाओं का पालन नहीं करते, अपनी मनमर्जी से चलते हैं, उनका काठ का यानी लकड़ी का है। जो सचमुच सचमुच अपना जीवन आज्ञाओं का पालन करके जीते हैं, मसीह को प्रसन्न करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, व्यसन नहीं करते, निर्व्यसनी जीवन जीते हैं, क्षमा करते हैं, वो लोगों का जीवन है सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर। मालूम हुआ? तो इसलिए प्रियो, हमारा जो जीवन है, हम कैसे मसीह में चलते हैं, उस पर हमारा घर बनता है, यानी वो हम घर हैं। हम मसीह का घर बनना ज़रूरी है, पृथ्वी पर हम घर बनना अच्छा ज़रूरी है। देखो बाइबल में लिखा है, मेरे पिता के घर में बहुत सारी, मेरे पिता के पास बहुत सारी जगह है, मैं तुम्हें जगह तैयार करने जा रहा हूँ। यीशु ने वहाँ हमारे लिए जगह तैयार की, लेकिन जगह और घर भी तो बनाते हैं ना, तो हमारा ये घर बनाना ज़रूरी है। तो आज्ञा पालन करने से हम घर बनाते हैं। पृथ्वी पर अगर आप देखोगे तो घर बनाने के लिए क्या क्या लगता है, ईंट लगती है। नींव तो कौन है, यीशु मसीह। तो फिर उसके ऊपर जो रद्दा रखा जाता है वो किसका होता है, ईंट का, सीमेंट का, रेती का, पानी का, बराबर है। तो उसी रीति से प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर हम देखेंगे तो हम प्रार्थना, स्तुति आराधना, वचन पढ़ना, आज्ञा पालन करना, पवित्र आत्मा से भरे रहना, इन वस्तुओं का इस्तेमाल कर हमें अपने इस जीवन को, हमारी लाइफ को क्या करना है, ऊपर करना है, बनाना है।